और भाई अपने गांव का नजारा देखो भाई, चेक करो पहाड़। हाइपर व्यू में है तो ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता होगा। सो गाइस, आज का ब्लॉग की शुरुआत हो रही मोना के घर से। देन ये मेरे पास है कुचले की 390 और वो है एस, और ये पप्पू। ये बुलेट भी अपनी जो है उसकी है, इसकी है, बट पप्पू घूमने ऐसे लेके जा रहे हैं हम उसको। और कुचले तो अपने मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठा है, देन मोना अपना मॉन्स्टर ट्रक चला रहा है, और कुचले की बाइक मेरे पास है। और इसके TFT में जो अंदर है ना, अंदर मतलब TFT के अंदर जो है पानी घुस गया अंदर, और आगे दादू आ रहा है शायद, पता नहीं अब आ रहे क्या। ओ सोचा कि गांव आया हूँ तो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते यार, ठीक है ना। ओ ठीक। और तो भाई बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो कुछ बोल पाए ना बोल पाए तो थोड़ा एडजस्ट करने का। देन 390 की पावर बोले तो भाई लाजवाब, और ऊपर से BS4 अभी खाना खा के निकले तो बोल भी नहीं पा रहा भाई मैं तो। और धूप तो इतना ज़्यादा है नहीं आज, मस्त है। और ऐसे कहीं पे भी कंकड़ पड़े रहते तो थोड़ा डर लगता है भाई। भाई 390 में ना व्हीली मारने में अलग लेवल के मजे हैं सच में। जब मम्मी 390 लेके दे रही थी तब ली नहीं, अब उसको ही पछताता हूँ भाई, बट कोई नहीं, इंजा ने मुझे इतना सारा सिखाया है अपनी बाइक ने। और ये माउंटेन ना थोड़ा टेढ़ा ऐसा लग रहा मुझे, क्या बता। इसके पीछे वाले टायर में ज्यादा ही हवा है, पूरा उछल रहा है ऐसे खतरनाक जैसा। देख रहे हो ऐसे उछल जा रहे हैं, पूरा हैंडल इधर उधर हो जा रहा है ऐसे। और तो गाइस बाकी सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कमेंट करके बता देना भाई, पूछना ही भूल गया मैं तो, है ना। ओ भाई साहब, इसका साउंड ना जवाब। BS4 भाई, BS4 क्या। और भाई अपने गांव का नजारा देखो भाई, चेक करो पहाड़। हाइपर व्यू में तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता होगा, बट एक मिनट में एंगल चेंज करके दिखा दो आपको थोड़ा आगे जाके, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके। एक्चुअली हम पहाड़ के वहाँ ही जा रहे हैं तो वहाँ पे दिखा दूंगा आपको, पहले तो अक्कल कुआ पहुँचना पड़ेगा। तो इसका पता नहीं ABS ऑन है तो ऐसा क्यों, मतलब ब्रेक लग रहा है, ये देखो ABS ऑन है तो ऐसा क्यों लग रहा है। अरे और रास्ता ही सही नहीं है, आगे चला तो पप्पू पीछे कैसे रह गया, उसको भी आगे निकलने देते। बुलेट बॉय आज तो भाई सही है, मौसम एकदम मस्त है लेकिन। और इसने जो है ना दोनों टायर में हद से ज्यादा हवा भर ली है सच में, बहुत ज्यादा हवा है। जैसे थोड़ा सा स्पीड दे रहा हूँ ना पूरी बाइक इधर उधर हो जा रही है, और ये रास्ता भी थोड़ा ऐसा है। तो भाई चेक करो यार, अभी पहुंचने वाले हैं हम, क्या बोलते हैं अकल को वाले रोड पे उस साइड पे। अभी तो गंगापुर भी नहीं पहुंचे, बट ये चेक करो यहाँ से पहाड़ क्या ही दिख रहा है, बहुत था भाई। और यहाँ से रास्ता भी उतना खराब। पता नहीं यार महाराष्ट्र वालों को क्यों ऐसा करते हैं, पता नहीं यहाँ का नहीं, जो मेन रास्ते है वही खराब है, तो ये तो गांव के रास्ते है भाई, क्या बोल सकते हैं कि नहीं। आगे कुछ काम तो चल रहा है, पता नहीं।
और अभी पहुंच चुके हम गंगापुर। और इसमें अभी हम पहुंच चुके हैं गंगापुर के वहाँ, और इसमें हवा जो है बहुत है गाइस, बहुत बोले तो बहुत, और यहाँ बहुत है। इसको है ना सुपर मोटो में कर लेते हैं पहले, और थोड़ी हवा कम कर देते हैं ना, तो फिर ही मजा आएगा ऐसा। अभी जो तुम पहले पहाड़ का व्यू देख लो, इसमें हवा कम कर देते हैं और सुपर मोटो में डालना पड़ेगा इसको, ठीक है। ओके गाइस, प्रेशर तो कम कर लिया है, लाइन देखते हैं, अभी रिएक्शन चेक करना, ठीक है। पर रिएक्शन लेने वाला तो कोई है ही नहीं, तो मैं तो ऑलरेडी ड्राइव करके थका हुआ, कट कर सकते हैं। वो रिएक्शन देखा था ऐसे भाग जाते, देखा ऐसे थोड़ा संभाल के करना मतलब एरिया में। गाइस पूछ, और उसका फोन आया था, वो अपने मोटर ट्रक में आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि कहाँ पे है था। ठीक है गाइस, हाय क्या ही तबाही उठती है यार इसमें, बहुत ज्यादा पावर भाई, हद से ज्यादा पावर सही में, भाई भाई भाई। देन यहाँ पे थोड़े रुकते हैं, बारिश का माहौल है, आगे तो नहीं जाएंगे। ठीक है गाइस, और ये चेक कर लो, पहाड़ दिखाने वाला था आपको, थोड़ा देख लो